तरां। चमकीली देखो ना ये गोटे वाला ड्रेस और ये मैं ठीक लग रही हूँ ना? मैंने डिसाइड कर लिया, अगर ये ड्रेस तुम्हें पसंद आई तभी मैं लूंगी, अगर ये ड्रेस एएसआर को नहीं पसंद आई तो। आपको पसंद है ना लावण्या जी, तो फिर ले लीजिए, और कोई क्या सोचता है उसकी फिक्र मत कीजिए। अंजलि बिटिया, तो छोटे आप लोगों के साथ नहीं थे? अपन सगाई की अंगूठी लेते समय यहाँ थे, ये कोनो कम बड़ी बात है का? एक्चुअली वो नहीं रुके, उन्हें थोड़ा काम आ गया था, आते ही होंगे। लगता है आपको वो अंगूठी पसंद नहीं आई जो श्याम बाबू ने आपके लिए ली थी। अब दी ये देखिए ना, मैंने ये ड्रेस लिया है, बताइए ना ये ड्रेस कैसी है दी? लावण्या जी अच्छी है, हमारा मतलब है बहुत अच्छी। अब पता है ईमा मिस कश्यप नहीं, मिस वर्ल्ड लगी है, काहे सासुमार। हमका भी आपका ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लगा, और आप जो पहन रखी है ना वो भी बहुत ही बढ़िया है। चमकीली खोटी वाला ड्रेस सेम पिन। मिस कश्यप ये ड्रेस पहन ली हो तो आप फटी साड़ी भी मत पहन लेना। हेलो हाय बा, ये मत सोचना कि एक अमीर आदमी तुम्हारी पायल को अपने सीने से लगाकर बैठा था, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ऐसा ना हो कि जिसे तुमने रईस समझ के फंसाया है इस ब्रेसलेट की तरह सस्ता। माफी मांगो। सॉरी। गिफ्ट नहीं तो टिप समझ के ले लो। क्यों करता हूं मैं ऐसा, हमेशा उसकी आंखों में आंसू, क्यों उसकी हर बात से इतनी तकलीफ होती है मुझे? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नानी जी ये देखिए ना, ऐसा ने मेरे लिए चूज किया। अरे वाह बहुत बढ़िया है। अब शायद ऐसा होंगे, अब मैं देख के आती हूँ। ये क्या है लावण्या, ये क्या पहना है तुमने? एक तो मैं पहले ही कोशिश कर रहा हूं कि मैंने कहा था ना तुमसे उस खुशी कुमारी की तरह मत बन जाना, ये इतना डाउन मार्केट ड्रेस क्यों पहना तुमने? What's wrong with you, लावण्या? और ये चीज इसे लगाकर तुम इतनी स्टूपिड लग रही हो, बिल्कुल उस ऐसा इतना भी बुरा नहीं है। आई मीन मुझे बहुत प्रिटी लगा, कब को पसंद आया? मुझे पसंद नहीं आया, मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है जिनमें कोई क्लास ना हो, जो इतनी चीप हो कि सर मैंने तो सिर्फ खुशी के जैसे कपड़े पहने, तुम्हें तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम ऐसे क्यों हो? लावण्या मैं जो हूँ हूँ, but you, you are going to change right now. No way sir, मैं ये ड्रेस चेंज नहीं करूंगी। तुम वही करोगी जो मैं कह रहा हूं, तुम ये ड्रेस अभी इसी वक्त चेंज करके आओगी। छोटी सुनिए तो ये सारे से क्यों है,
ऐसा मैंने क्या कर दिया? ये सर मुझे ऐसा हर्ट कैसे कर सकते? नानी जी आप ही बताइए, ये ड्रेस आपको भी पसंद आई थी? दी आपको भी? रामानी जी आप छोटी की बात का बुरा मत मानिए। बिटिया आप तो उनको जानत है ना? और अब तो पहले से भी ज्यादा गुस्सा आता है दी। आप चुप हो जाइए लावण्या जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लावण्या जी आप हमारे साथ चलिए। आइए। हम पहले ही बोले थे मिस कश्यप से कि ई ड्रेस मत पहनो। हेलो हाय बाय बाय। नहीं, हमें आपसे बात करनी है। तो करती रहूं, मुझे नहीं सुननी। हमारा आपसे बात करना बहुत जरूरी है, आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए। लावण्या जी ने वो ड्रेस हमारे कहने पे खरीदी थी, इसलिए अब आपको अपना गुस्सा निकालना है तो हम पे निकालिए, उन पे नहीं। उनकी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे लावण्या के साथ कैसे बिहेव करना है। That's none of your business. आपके आसपास के लोग आपसे कितना प्यार करते हैं आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है ना? आप जानते भी हैं कि आपके इन कड़वे बोल से उनके दिल पे क्या बीतती है। हम जानते कि आप हम पर गुस्सा है, लेकिन इसकी सजा लावण्या जी को मत दीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है हमसे कहिए। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी वजह से गुस्सा हूं कि मैं जो करता हूं तुम्हारी वजह से करता हूं? अगर तुम्हें ये लगता है कि मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है, देन फॉरगेट इट। मेरी लाइफ में तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं कि मैं तुम्हारी वजह से गुस्सा हो जाऊं और वो गुस्सा किसी और पर निकालूं। You don't even exist for me. Do you understand? तुम हो या ना हो, कुछ करो कुछ कहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? हम जानते कि हमारे होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम ये भूल गए थे कि आप अर्णव सिंह रायजादा हैं, और किसी का दिल दुखाने के बाद आप कभी माफी नहीं मांगते। हमारी गलती है कि हम यहां आपसे बात करने आए थे।